गुड इवनिंग स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक डिस्कस किया था हीट ऑफ रिएक्शन, और आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, तो हमारे पास आज का टॉपिक है हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन का मींस क्या है। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन का मींस है कि अगर हम एक रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करते हैं, एग्जांपल हमने कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न किया और CO2 निकली और इसमें डेल्टा एच का टोटल चेंज आया 393.5। तो जब हमने इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में किया तो जो टोटल हीट चेंज था वो 393.5 किलो जूल पर मोल हुआ। अगर हम इसी रिएक्शन को कई स्टेप्स में करेंगे, मल्टी स्टेप्स में करेंगे, तो भी हीट चेंज यही रहेगा। समझाता हूं, हमने क्या किया, कार्बन की रिएक्शन यहाँ 32 ग्राम से करी थी, यहाँ हमने या 1 मोल से करी थी, यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन 16 ग्राम से करी। अब क्योंकि ऑक्सीजन और दोनों ही लिमिटिंग है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और इस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होती है वो -110 किलो जूल पर मोल होगी। अब हमने फिर से हाफ ऑक्सीजन ली और फिर रिएक्शन कराई तो फिर से CO2। इस स्टेप में टोटल हीट लिबरेट हुई 283.5। अब इन दोनों को अगर हम काउंट कर दें तो इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू भी 393.5 किलो जूल होगी। मींस अगर हम CO2 डायरेक्ट बनाए सिंगल स्टेप में या हम बनाए टू स्टेप में, टोटल हीट चेंज रिमेंस द सेम, कुल ऊर्जा का परिवर्तन कोई चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक नया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने सल्फर की रिएक्शन 3/2O2 से कराई, मतलब ये 3 ऑक्सीजन एटम है और इसने इसके साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और सल्फर ट्राई ऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो टोटल हीट लिबरेट हुई वो है हमारी -94.5 किलो कैलोरी। यहाँ पर जूल में नहीं दिया हुआ है, कैलोरी में दिया हुआ है। अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है, तो इस कन्वर्जन से आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब SO3 का फॉर्मेशन हम मल्टी स्टेप्स में या टू स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हमने सल्फर और O2 की रिएक्शन कराई, SO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड के इस फॉर्मेशन में जो टोटल हीट लिबरेट हुई उसको यहां लिखते हैं -70.96 किलो कैलोरी। फिर हमने SO2 को वापस से हाफ O2 से और बर्न कर दिया, तो ये हो गया SO3 का फॉर्मेशन और इस स्टेप में हीट लिबरेट हुई कुल -23.49 किलो कैलोरी। अगर हम इन दोनों हीट को जोड़ दें तो वो हीट इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है, वो हीट इसके इक्वल आ जाएगी और ये करीब 94.9 है, ठीक है। तो 95, तो 5 भी यहां पर और ये हो जाएगा 4 और 9 13 और 4, तो करीब 5 ही मान ले, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर चेंज आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था हमारा हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि इस लॉ की हेल्प से हम किसी की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से होगी और वो रिएक्शन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है,
तो हम एक दूसरी रिएक्शन की हेल्प से कंबशन ले सकते हैं, रिएक्शन ले सकते हैं, तो उसकी हेल्प से या हैस लॉ की हेल्प से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम हैस लॉ की हेल्प से कुछ नए टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में हमारा जो अगला लॉ है उसका नाम है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, तो मैं यहां टॉपिक डालता हूं और आप उसको लिख ले, हीट ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हीट ऑफ कंबशन का मींस क्या है। हीट ऑफ कंबशन का एक सिंपल सा मींस है कि अगर हम किसी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, अगर हम किसी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और वो एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर आ गया है, तो हम इसको कहेंगे हीट ऑफ कंबशन, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगी। कंबशन का मींस है एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। एंड प्रोडक्ट का मतलब है कार्बन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, पर बेटा एक्सोथर्मिक तभी होगा जब वो एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर पहुंच चुका हो। ये मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या किया, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई और ये CO2 में कन्वर्ट हो गया। कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है। अगर ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया है, ये टेक्निकल पॉइंट है, आसानी से आपको उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया है, इसलिए इसमें जो भी हीट निकलेगी उसे हम हीट ऑफ कंबशन कहेंगे, और हीट ऑफ कंबशन अगर है तो वो एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर। अगला एग्जाम्पल ये है कि मैंने बेंजीन ली और बेंजीन की रिएक्शन O2 से कराई। इसकी O2 से रिएक्शन कराने पर 6 CO2 plus 3 H2O का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि कार्बन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर आ गया है, तो इस प्रोसेस में जो भी हीट लिबरेट होगी उसे मैं कहूंगा हीट ऑफ कंबशन। तो बच्चा कहेगा कि फिर कब नहीं कहेंगे, तो हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि हीट ऑफ कंबशन कब नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल, जब मैंने N2 और O2 की रिएक्शन कराई और इन दोनों की रिएक्शन से NO बन गया। यहाँ पर NO की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 है, लेकिन नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक होगा ही होगा, और ये रिएक्शन पॉजिटिव होती है, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन से N2O5 बनाता हूं, क्योंकि N2O5 में नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर पहुंच गया है, तो अब ये कंबशन हो जाएगी और इसमें हीट लिबरेट होगी। ठीक है ना, तो अगर कोई हाईएस्ट पे पहुंच गया है ऑक्सीजन के साथ तो डेफिनेट वो हीट ऑफ कंबशन है, और अगर हाईएस्ट पे नहीं पहुंचा है तो फिर वो हीट ऑफ कंबशन नहीं हो। अब आगे चलते हैं अगली रिएक्शन को या अगले एक टेक्निकल पॉइंट को समझने के लिए। हमने CH2 की रिएक्शन कराई और O2 से रिएक्शन हुई, रिएक्शन से CO2 और SO2 बन गए। अब वो हमसे क्वेश्चन करेगा JEE नीट में, ठीक है ना, कि किस एलिमेंट का कंबशन हुआ, तो हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 है और यहाँ भी प्लस 4, इसका मीन्स है कि इस रिएक्शन में कार्बन का कंबशन नहीं हुआ है। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 2 है और यहाँ पर प्लस 4 है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है, तो हम इसमें कहेंगे
सल्फर का कंबशन हुआ है, ठीक है ना, सल्फर अंडरगोस कंबशन, इसमें कार्बन का कंबशन नहीं हुआ है, क्लियर। अब हम एक देखते हैं और रिएक्शन, F2 की रिएक्शन हमने O2 से कराई और दोनों की रिएक्शन से OF2 बन गया, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है। कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस टू होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है तो मैं इसे हीट ऑफ कंबशन नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस नहीं हुई है। तो हमने यहां पर हीट ऑफ कंबशन के तीन टेक्निकल पॉइंट समझे हैं। अगर हाईएस्ट पे आ गया तो डेफिनेट एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, लेकिन अगर हाईएस्ट पे नहीं पहुंचा है तो मे बी एंडो और एक्सो, क्लियर। दूसरी बात, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगी हम उसी को ही कंबशन कहेंगे कि उस एलिमेंट का कंबशन हुआ है, जैसा इस केस में हुआ है। कार्बन का कंबशन नहीं हुआ है, सल्फर का कंबशन हुआ है। लास्ट वाले प्रोसेस को कंबशन रिएक्शन मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू नहीं है, जबकि कंबशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होनी चाहिए और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्लियर। तो कंबशन में ऑक्सीजन का रिडक्शन और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना है। तो हमने यहाँ पर कुछ टेक्निकल पॉइंट समझे हैं जो हमें किसी भी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, और हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की हर साल कोशिश करता है। तो हमारे पास है हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्लियर। तो दो मिनट का ब्रेक आप तो हम नेक्स्ट हीट पढ़ रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संभवन की ऊष्मा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन की ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहते हैं? जब हम वन मोल सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट से तत्वों से बनाते हैं तो उसमें जो हीट लिबरेट होती है उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन को लिखना और अंडरलाइन कर लेना। वन मोल सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट, एक मोल पदार्थ जब अपने अवयवी तत्वों से बनता है तो उस पूरे प्रक्रम में निकली हुई एनर्जी को हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और ये इसकी जो इक्वेशन बनती है वो आपको एग्जाम में हमेशा खुद ही लिखनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमारे पास जैसे इथेन है, तो अब इथेन में कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट है इसमें दो तो कार्बन है और सिक्स हाइड्रोजन। अगर मॉलिकुलर फॉर्म में लिखा हुआ है चलेगा, लेकिन अगर ये एलिमेंट फॉर्म में लिखा होता
तो वो ज्यादा बेटर होता मॉलिक्यूलर फॉर्म से, क्लियर? क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट से। अगला एग्जाम्पल, CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगी CO2, और हम इसको कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको भी कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन क्योंकि CO2 अपने कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको HC भी कह सकते हैं और इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब हम तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा मिथेनॉल। मिथेनॉल में तीन एलिमेंट हैं, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल और हाफ ऑक्सीजन, क्लियर? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल। एसिटिक एसिड में आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, इसमें है टू कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, थ्री और वन फोर, मतलब टू मॉलिक्यूल एच टू के लिख सकते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिखा जा सकता है। अगर मैं ग्लूकोज की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखूं तो इसके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट होंगे छह कार्बन प्लस सिक्स एच टू, ट्वेल्व हाइड्रोजन प्लस थ्री ओ टू, सिक्स ऑक्सीजन, ठीक है? और ये तीनों ही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं टेक्निकल पॉइंट जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। जीनॉन की रिएक्शन ओ थ्री से हुई और जीनॉन ओ थ्री बन गया। क्वेश्चन ये है कि क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो हम देखते हैं। इस कंपाउंड का नाम है जीनॉन ट्राइऑक्साइड। इसका मीन्स हुआ कि इसके कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट जीनॉन प्लस ऑक्सीजन होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर देखा ये तो जीनॉन है पर इसका नाम ऑक्सीजन नहीं, ये ओजोन है, तो हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। अगर इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है तो 3/2 O2 करके लिखी जाएगी, क्योंकि जीनॉन ट्राइऑक्साइड के हीट ऑफ फॉर्मेशन में जीनॉन प्लस ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? तो हमने सबसे पहले सीखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर हमको ये इक्वेशन लिखना नहीं आता तो डेफिनेट हम क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझ में आने चाहिए। जितने भी फ्री मॉलिक्यूल और एटम है, उन सब की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमेशा जीरो लेते हैं, मतलब इसकी जीरो होगी, इसकी जीरो जीरो जीरो, सबकी जीरो जीरो ली जाएगी। तो फ्री एलिमेंट और मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेंगे। अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा एलोट्रॉप्स हैं तो उन एलोट्रॉप्स में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हम जीरो मानेंगे। तो हम देखते हैं कार्बन के दो एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट डायमंड और फ्लोरीन। इसमें हम ग्रेफाइट की जीरो लेते हैं क्योंकि ये थर्मोडायनामिक सबसे स्टेबल। सल्फर के एक है रोम्बिक सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, तीसरा है प्लास्टिक सल्फर और नेक्स्ट है कोलाइडल सल्फर। इन चारों सल्फर में सबसे ज्यादा स्टेबल रोम्बिक सल्फर होता है, इसलिए रोम्बिक सल्फर जब भी लिखा हुआ होगा हम इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस।
फास्फोरस के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, और कौन कौन से? पहला ब्लैक, दूसरा वाइट और येलो, और तीसरा रेड। इन सब में ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम ब्लैक फास्फोरस की हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो लेंगे। क्लियर? कोई डाउट इस बात में किसी को? आगे बढ़े। तो हमने यहां पर देख लिया है कि हमें समझ में आ गया है कि अगर कोई फ्री मॉलिक्यूल हो, फ्री एटम हो, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम जीरो मान लेंगे। अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा एलोट्रॉप्स है, तो हम उसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप्स होगा उसको जीरो माने, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर अब हमको पता कैसे लगे कि कौन सा एलोट्रॉप्स ज्यादा स्टेबल है, तो एक ऑप्शन तो है, ये है कि हमें घर से पता हो कि भैया ये एलोट्रॉप्स ज्यादा स्टेबल है। या फिर एक तरीका और है, किसी रिएक्शन में देख लो, अगर हीट लिब्रेट हुई है, ठीक है ना, हीट लिब्रेट हुई है, तो हीट जिसमें ज्यादा निकलेगी वो कम स्टेबल होगा, एग्जाम्पल कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट की जब मैंने O2 से रिएक्शन कराई तो CO2 बनी, और डेल एच की वैल्यू 393.5। लेकिन अगर हम मैं इसकी जगह डायमंड ले लूं और O2 के साथ रिएक्शन कराऊं और CO2 बनाऊंगा, तो डेल एच की वैल्यू 395.1 के आसपास आती है, क्योंकि डायमंड को जलाने में ज्यादा हीट लिब्रेट हुई है, इसलिए ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। यहां हम मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि हीट निकल रही है, और प्लस लगा हो तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसको मैथमेटिकल अगर देखेंगे तो ये क्वांटिटी कम है और ये क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स साइन में नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मिथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करो। तो बेटा लिख लो क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, ठीक है ना, हमें डेटा गिवन है ये कि हमने मिथेनॉल को बर्न किया 3/2 O2 के साथ में, तो हमको एक तो CO2 मिल गया और प्लस 2H2O मिल गया, और इस पूरे प्रोसेस में जो हीट लिब्रेट हुई है वो है -726 किलो जूल पर। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने कार्बन ग्रेफाइट को जलाया O2 के साथ, इसकी वैल्यू फिक्स है, अगर आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल, 393.5 किलो जूल। फिर मैंने H2 को बर्न किया, आप O2 और H2 बना, तो डेल एच कंबर्शन इज इक्वल टू 286.5 किलो जूल पर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करने के लिए वो ऐसे लिख सकता है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इफ मिथेनॉल कार्बन एंड हाइड्रोजन हीट ऑफ कंबर्शन, मतलब इन तीनों को जलाने की ऊर्जा इतनी इतनी है, इक्वेशन लिखकर नहीं देगा, तो आपको इक्वेशन खुद भी बनानी पड़ सकती है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, ठीक है ना, हम दोनों मेथड को यहां पर डिस्कस करें।
अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मिथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या बनेगी। तो देखना, मैं यहां लिखता हूं, मिथेनॉल में एक कार्बन है, फोर हाइड्रोजन है, टोटल हाफ ओ टू है, और फिर मिथेनॉल। इस प्रोसेस में जो भी है डेल्टा एच एफ की वैल्यू बदलेगी, उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हम इस इक्वेशन को इन तीन इक्वेशन से लाएंगे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, कार्बन ग्रेफाइट इधर दिया है, दिया है, तो इक्वेशन टू को चेंज नहीं किया जाएगा। फिर देखेंगे हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है या नहीं। तो हमने देखा यहां पर हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन के यहां तो 2 मोल्स है और यहां 1 मोल है। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हीट भी डबल हो जाएगी, 2H2O बन जाएंगे, ठीक है ना, और H2 बन जाए। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया O2, ये 2H2O, और ये अमाउंट हो गया कितना कितना। अब मिथेनॉल मुझको प्रोडक्ट साइड में चाहिए। अब देखा कि यहां पर मिथेनॉल रिएक्टेंट साइड में दिया है, जो डेटा हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं इक्वेशन 1 को रिवर्ट करके यहां लिखूंगा, तो देखना मैं रिवर्ट कर रहा हूं, ये दोनों इधर आ जाएंगे क्योंकि हमको मिथेनॉल प्रोडक्ट साइड में चाहिए। जब ये रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी तो डेल एच की वैल्यू +7 कितनी हो जाएगी, इसके माइनस साइन को प्लस कर देंगे। अब ये दोनों कंटेंट को यहां लिख दें। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है ना, ऊपर वाले इस इक्वेशन को मैं हटा दूंगा इसको, या आपको तीनों इक्वेशन फिर से लिखनी पड़ेंगी। इस CO2 से इस CO2 को कैंसिल आउट कर दिया, इस 2H2O से इस 2H2O को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां रह गया कार्बन 2H2 हाफ O2, और ये बदल गया मिथेनॉल में। तो ये तो प्लस अमाउंट है और ये दोनों नेगेटिव है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक की टोटल वैल्यू को मैं काउंट कर लूंगा, ठीक है ना, टोटल वैल्यू को काउंट कर लूंगा, और टोटल वैल्यू को काउंट करके, ठीक है ना, टोटल वैल्यू को काउंट करके मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा जरा करो भैया, ये कितना आएगा अप्रोक्स, प्लस प्लस तो आपको ही लिखने पड़ेंगे। अब इसका, ठीक है ना, इसका एक और छोटा मेथड भी है। छोटा मेथड मोस्टली कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में ज्यादा यूजफुल रहता है। अब ध्यान से देखना, मैं उस छोटे मेथड से सॉल्व करूंगा। हमने ये इक्वेशन लिख लिए, तो देखो कार्बन की कंबशन कितनी है, 393, तो मैंने यहां लिख दिया 393। H2 की हीट ऑफ कंबशन है 286, ठीक है ना, तो मैंने 286 को 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख ले। अब मुझे मिथेनॉल इधर चाहिए, इसमें यहां दिया है, तो मैं इस वैल्यू को प्लस करके लिख लूंगा, और तीनों को ऐड करने से हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, जो करीब 76 के आसपास आनी चाहिए। क्लियर है? अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और करने वाला, ठीक है, जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव वालों बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 11th के बच्चों के लिए थोड़ा कम। करें शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है कि CX और H2 कि हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन कितना है X, ठीक है ना, Y/4O2। इन दोनों के रिएक्शन से हमको मिला XH2 प्लस
प्लस वाई बाई टू, सॉरी ये सीओ टू एक्स सीओ टू और वाई बाई टू एच टू। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कार्बन को बर्न किया ओ टू के साइड साथ में और बना लिया सीओ टू। ठीक, इस रिएक्शन में जो हीट लिबरेट हुई है उसकी वैल्यू है माइनस बी, और इस रिएक्शन में जो हीट लिबरेट हुई है उसकी वैल्यू है माइनस ए। थर्ड रिएक्शन, हमने एच टू की रिएक्शन हाफ ओ टू से कराई, एच टू बन गया और इसकी वैल्यू है सी। क्वेश्चन को छोटा रखने के लिए और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वो बस आपको इतना लिख सकता है सी एक्स एच बाई कार्बन और हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंबशन क्रमशः माइनस ए माइनस बी और माइनस सी है। तो सी एक्स बाई एच बाई की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो। तो सी एक्स और एच बाई कि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट एक्स कार्बन है प्लस वाई हाइड्रोजन। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं शुरू कर। सबसे पहले मुझे कार्बन इधर चाहिए, ठीक है ना, यहां एक कार्बन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, पर यहां पर x मोल कार्बन है तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू एक्स प्लस। हमें चाहिए y हाइड्रोजन, कितने y हाइड्रोजन, और यहां पर ठीक है ना उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है y हाइड्रोजन, यहां पर एक एच टू की दे रखी है, एक नहीं दो की, तो दो की c है, दो की कितनी है c, तो एक की कितनी हो जाएगी c बाई टू। अब इसके मोल कितने हैं y, तो y c बाई टू। क्लियर, फिर से समझ लो, दो हाइड्रोजन की माइनस c है, हमें यह हाइड्रोजन फॉर्म में चाहिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2H, क्लियर, तो 2 की C माइनस C है, तो 1H की कितनी होगी C बाई टू। पर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है Y, तो Y से मल्टीप्लाई कर। अब हमको CXY चाहिए इधर और ये दे रखा है इधर, तो उसको क्या करेंगे प्लस, आपका आंसर सामने। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, सी एक्स एच वाई की कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट एक्स कार्बन और वाई हाइड्रोजन है, तो मैंने एक्स कार्बन और वाई हाइड्रोजन लिख लिया। यहां देखा मैंने कार्बन के वन की माइनस बी है, वन कार्बन की बी है, तो एक्स कार्बन की कितनी हो जाएगी बी इंटू एक्स माइनस साइन। फिर आगे देखते हैं, दो हाइड्रोजन को बर्न करने से माइनस सी निकली है, तो एक हाइड्रोजन को करने से ये माइनस सी बटा टू हो, पर हमें तो वाई हाइड्रोजन की चाहिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन माइनस प्लस माइनस माइनस। अब हमें सी एक्स वाई को प्रोडक्ट साइड में चाहिए। इस मेथड से क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली केस में एक इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती है, मोस्टली केसेस में, ठीक है ना, और वो उसकी वैल्यू चेंज होती है मोस्टली जो प्रोडक्ट साइड में दिया हो। तो सी एक्स वाई की हीट ऑफ कंबशन माइनस ए है, पर मुझे तो सी एक्स वाई यहां नहीं यहां चाहिए, तो जब इस इक्वेशन वन को रिवर्ट करेंगे तो माइनस ए ए में बदल जाएगा और आंसर आपके सामने है। इस तरह हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी चॉइस रखता है। क्लियर, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपको थोड़ा और इंसाइट मिल जाए।
और आपको सबसे पहले वो 11th वाला मेथड आना चाहिए जिसमें हम इक्वेशन लिखकर करते हैं। अगर आपको एक बार वो इक्वेशन वाला मेथड समझ आ गया तो फिर ये मेथड जो मैं कर रहा हूं वो ज्यादा आसान लगेगा। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ CH2। ठीक है, हमें CH2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है और उसने हमें कार्बन, हाइड्रोजन और CH2 की हीट ऑफ कंबेशन की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 383.5 और कार्बन की है, सॉरी 93 होगी, कार्बन की है स्टैंडर्ड वैल्यू। हाइड्रोजन की उसने नहीं, हाइड्रोजन नहीं, सल्फर, सल्फर की हीट ऑफ कंबेशन की वैल्यू -293.7 दे रखी और CH2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी कंबेशन, 1108 दे रखी। ठीक है ना, डेसिमल में आगे और एक्यूरेट आंसर निकालना है तो 7। अब हमें ये इक्वेशन खुद बनाना आना चाहिए। CH2, CH2 बनेगा कार्बन से और दो सल्फर। क्लियर, तो अब देखना इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन शॉर्ट तरीके से कैसे निकाल। हमें कार्बन चाहिए रिएक्टेंट साइड में और कार्बन की कंबशन दे रखी है। मैंने आपको बताया अभी अभी, नॉर्मली हमेशा प्रोडक्ट की हीट चेंज होती है। तो एक कार्बन की कितनी है, -393.5 प्लस। एक सल्फर को बर्न करने से जो हीट निकलती है वो 293 है, तो दो से कितनी निकलेगी, -293.7 इंटू 2 प्लस। CH2 को बर्न करने पर 1108.7 किलोजूल हीट निकलती है, लेकिन मुझे CH2 रिएक्टेंट साइड में नहीं चाहिए, प्रोडक्ट साइड में चाहिए। तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन को रिवर्ट करूंगा ये वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दो वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है। अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ये प्लस में ज्यादा आएगी और कितनी आएगी, 128.6 किलोजूल पर मोल के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड कॉम्पिटिटिव में करने के लिए बेहतर है। हो सकता है कि स्कूल में टीचर इसको काट दे कि नहीं, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए 11th का वो मेथड अगर आपको समझ आ जाता है कि जिस जिस सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी हो अगर वो रिएक्टेंट साइड में दिया हो तो उसको रिवर्ट करके प्रोडक्ट में बदलना है, और उसकी एनर्जी की वैल्यू को अगर माइनस है तो प्लस कर लेंगे और अगर प्लस है तो फिर हम उसको माइनस कर देंगे। क्लियर, तो हमने आज की क्लास में तीन टॉपिक पढ़े हैं, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन ऑफ हैस लॉ, नंबर 2 हीट ऑफ कंबशन, नंबर 3 हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन को 99% वेटेज देना और बाकी दोनों को 1% में चला लेना अगर कॉम्पिटिटिव क्रैक करना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में से सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट हीट जिनका नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी, और थर्ड भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लैटिस एंथैल्पी। तो कल की क्लास देखना ना भूलना, हीट ऑफ फॉर्मेशन और कल की क्लास करके आप सिर्फ 4 टॉपिक पढ़कर ही थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन के 90% क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कर सकते हैं। ओके, तो कल